हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के ज़रिए हम लोग देखेंगे कि किसी भी वेब पेज को कैसे रीड कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट की हेल्प। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी सेटिंग्स देख लेते हैं। स्पीच आउटपुट के लिए सेटिंग्स में जाएंगे, एडिशनल सेटिंग्स में जाएंगे, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। ऊपर एक मेन्यू है, जनरल विज़न हेयरिंग फिज़िकल विज़न के ऑप्शन में जाएंगे। उसमें टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट का एक ऑप्शन है, उसे टच करेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे स्पीच रेट और पिच आ रहा है। इस स्पीच रेट और पिच को हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। और नीचे एक प्ले का बटन है, इसे क्लिक करके हम एक एग्जांपल सुन लेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीच सिंथेसिस इन इंग्लिश। देखिए पिच एंड स्पीच रेट हमारा सेट हो गया है। इसे आप अपने हिसाब से सेट कर लें, जिस भी रेट पर आप सुनना चाहते हैं इसे। अब हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद किसी भी वेब पेज को हम खोल लेंगे। यहाँ मैंने एक न्यूज़ चैनल का वेब पेज खोल रखा है, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूँ। और इसके लिए मैं नीचे जो होम बटन दिया हुआ है, इसे टच करके होल्ड करूँगा, उसे गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा और उससे हमें ये बोलना है। देखिए, हे गूगल, रीड दिस वेब पेज। Got it. ये देखिए वेब पेज ओपन हो रहा है रीडिंग के लिए। ndtv.in से कोरोना की दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट ने मचाया था तांडव। एक्सपर्ट पैनल ने कहा, जानिए कितना घातक है ये। लेखक परिमल कुमार, नई दिल्ली। भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर COVID-19 सेकेंड वेव के लिए डेल्टा वेरिएंट, कोरोना डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। कोरोना का यह वेरिएंट भारत में प्रमुख संस्करण है। यह अल्फा कोरोना अल्फा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक है। देश में इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताया गया है। इसके 12,000 से ज्यादा देखिए मैंने अभी इसे पॉज कर दिया है। इस तरीके से हम किसी भी वेब पेज को गूगल असिस्टेंट के द्वारा रीड करा सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल टूल है, आप एक बार इसे ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।